हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में वन क्वार्टर आना के बारे में बताएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है और कौन सी कंडीशन में ज्यादा वैल्यू पे सेल होता है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक कॉइन दिखाई दे रहा है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का वन क्वार्टर आना का कॉइन है। इस कॉइन की अगर हम बात करते हैं तो इस कॉइन की सबसे पहले मेटल की बात करते हैं, इसका जो मेटल होता है कॉपर होता है। और कॉइन के वेट की बात करते हैं, इसका जो वेट होता है अप्रॉक्स 6.4 ग्राम्स तक होता है। दोस्तों, इस कॉइन का जो शेप होता है सर्कुलर होता है। दोस्तों, अगर आप इस कॉइन के फ्रंट साइड यानी ओवर साइड में देखेंगे तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लोगो यानी सिंबल था वो मिल जाएगा, और ये कॉइन कौन से ईयर में मिंट हुआ था वो चीज मिल जाएगी, मतलब ईयर मिल जाएगा कौन से ईयर में आपका ये कॉइन का मिंटेज हुआ था। अगर रिवर्स साइड यानी बैक साइड में आएंगे आपको आप तो ईस्ट इंडिया लिखा हुआ मिल जाएगा, और कॉइन की जो डिनोमिनेशन यानी जो कॉइन की वैल्यू है वो इंग्लिश में लिखी हुई मिल जाएगी, वन क्वार्टर आना। दोस्तों, इस कॉइन की बात करना, मैं कुछ सब्सक्राइबर्स ने इस कॉइन की मुझे सेंड की, कहा कि सर इसकी वैल्यू कितनी होगी और ये कहाँ सेल हो पाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन कॉइन्स आते हैं और एक कॉइन ऐसा आता है जो थोड़ा रेयर है जिसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। दोस्तों, पहले कॉमन कॉइन्स की बात करते हैं, तो वो कॉमन कॉइन्स में इंक्लूड होता है आपका 1835 का और 1858 के जो कॉइन्स होते हैं। 1835 में आपको बॉम्बे मिंट, कोलकाता मिंट और मद्रास मिंट के कॉइन होंगे, उनकी वैल्यू अप्रॉक्स 50 रुपए से लेकर 120 रुपए के बीच में जाती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसी कंडीशन होगी वैसा ही कॉइन होगा, लेकिन हाँ, अगर आपको यही कॉइन्स यूएनसी कंडीशन में आपके पास है तो उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत पुराने सिक्के 1835 के कॉइन है और उस टाइम के कॉइन इस समय यूएनसी कंडीशन में प्रिजर्व हो पाना बहुत पॉसिबल नहीं, बहुत कम कॉइन प्रिजर्व हुए, तो इसलिए कम कॉइन है इसका मतलब ये उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं 1858 वाले कॉइन की। 1858 का जो कॉइन होता है इंग्लैंड मिंट का होता है, मतलब फॉरेन मिंट था ये। इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 100 रुपए से लेकर 200 के बीच में होती है कंडीशन अकॉर्डिंग, जैसी कंडीशन होगी वैसे उसकी वैल्यू होगी। इसमें भी यही सीन है कि अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन है तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, और यूज कंडीशन है तो 100 से 200 तक मिल जाएगा आपको आराम से। लेकिन ये जो 100 से 200 देगा आपको कोई कलेक्टर देगा जिसके पास ये कॉइन कलेक्शन में नहीं है। अगर आप डीलर को सेल करेंगे, डीलर से लेने जाएंगे, तो उनका जो प्राइस होता है डिफरेंट होता है, मार्केट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मार्केट में वैल्यू चल रही होगी वैसे ही वो आपको सेल करेंगे या आपसे खरीदेंगे, जो भी है। और उसके बाद से आता है आपका 1857 का इंग्लैंड मिंट का कॉइन। ये दोस्तों थोड़ा रेयर होता है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 1000 रुपए से लेकर 2000 के बीच में होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर यही कॉइन आपके पास UNC कंडीशन मतलब कोई भी उस पर दाग धब्बा ना हो, स्क्रैचेस ना हो, एकदम नया कंडीशन हो, एकदम उसकी जो कंडीशन हो, जो चमक हो, शाइन हो, लस्टर हो, एकदम नया नए कॉइन की तरह लगे, तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्स आपका 4000 से लेकर 25000 के बीच में मिलेगी। जो यूएनसी कंडीशन होगा 25000 तक जाएगा, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन वाले कॉइन्स 4000 तक जाएंगे। लेकिन यूएनसी कंडीशन में कॉइन्स मुश्किल होता है मिलना, अगर आपके पास यूज कंडीशन में भी आता है तो 1000 रुपए तक तो आराम से मिल जाएंगे इंग्लैंड मिंट वाले कॉइन के, वन क्वार्टर आना कॉइन के। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके पास कोई और ही पुराने सिक्के हैं, नोट्स हैं, जिनकी वैल्यू आपको पता करनी है। बहुत से हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास बहुत सारे कॉइन्स रहते हैं जिनकी वैल्यू उनको पता करनी रहती है, और यूट्यूब बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोज हैं जिसमें लाखों करोड़ों वैल्यू बताई गई, जिससे कि वो गुमराह हो जाते हैं। उनको वो फेक वीडियोज देख के उनको लगता है कि हमारे कॉइन्स के भी लाखों करोड़ मिल जाएंगे। होता क्या कि बहुत जो मान लीजिए आपके पास भी कोई कॉइन आता है, तो अगर मान लीजिए 1947 का कॉइन है, वो 40-50 साल पुराना है, तो आपको भी लगता है कि 50 साल पुराना कॉइन है तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप एक मन में ये भी बना लेते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्तों, आपको हर वीडियो में बताया गया है कि जो कॉइन होता है उस वो कितना पुराना है उस पर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं उसमें। ऐसे कॉइन कौन से मिंट का है, कॉइन कौन से ईयर में मिंटेज होती है उसकी, और कितने अमाउंट में कॉइन मिंटेज हुआ था, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कॉइन की जो होती है वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए, हमारी वीडियो पहली बार देखें तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आप में से ये किसी के पास ये इंग्लैंड मिंट वाला कॉइन है, वन क्वार्टर आना 1857 वाला, तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी जीमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। और आप हमारे चैनल पर, अगर हमारे चैनल पर नए, हमारी वीडियो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, दबा दें बेल बटन, जिससे कि हमारे वीडियोज आने वाले आप सबसे पहले देख सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।